यूपी में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। यूपी में 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। शलभ माथुर को डीआईजी अलीगढ़ बनाया गया। भारती सिंह एसीपी गाजियाबाद नियुक्त। तो 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर। शलभ माथुर को अलीगढ़ का डीआईजी नियुक्त किया गया। भारती सिंह एसीपी गाजियाबाद नियुक्त। रवि कुमार डीसीपी आगरा हुए नियुक्त। आनंद राव कुलकर्णी को नोएडा का एसीपी बनाया गया। आशीष श्रीवास्तव डीसीपी लखनऊ बने। राजकुमार अय्यर को अयोध्या के एसएसपी की जिम्मेदारी मिली है। एस आनंद एसपी बलिया नियुक्त किए गए। अशोक कुमार मीणा को शाहजहांपुर एसपी नियुक्त किया गया। तो ये बड़ा फेरबदल हुआ है यूपी में, प्रशासनिक फेरबदल। आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 11 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, बदली हुई है। तो शलभ माथुर को अलीगढ़ का डीआईजी बनाया गया है। इसके साथ ही भारती सिंह को एसीपी गाजियाबाद में नियुक्ति मिली है। रवि कुमार डीसीपी आगरा हुए नियुक्त। आनंद राव कुलकर्णी को एसीपी नोएडा बनाया गया। आशीष श्रीवास्तव डीसीपी लखनऊ बनाए गए हैं। राजकुमार अय्यर को अयोध्या के एसएसपी की जिम्मेदारी दी गई है। एस आनंद एसपी बलिया नियुक्त किए गए। अशोक कुमार मीणा को एसपी शाहजहांपुर नियुक्त किया गया। तो यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। उधर बागपत में एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से 2 लोग उसमें झुलस गए और अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी से बताया जा रहा है कि आग लगी। समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचने से लोगों में भारी गुस्सा। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिसाना गांव का बताया जा रहा मामला। तो घर में लगी भीषण आग, 2 लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आक्रोशित लोगों का कहना है कि सूचना देने के बाद भी काफ़ी देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, जिसके बाद आग बुझाने के लिए मशक्कत की गई और आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बागपत की यह घटना है जहां घर में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 2 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। तो वहीं गुस्साए लोगों का कहना है कि सूचना के बाद भी काफ़ी देर बाद पहुँची फायर ब्रिगेड की टीम और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो कोतवाली थाना क्षेत्र के सिसाना गांव का मामला, तस्वीरें बागपत के कोतवाली थाना क्षेत्र की हैं, जहां सिसाना गांव का यह मामला। घर में हाई टेंशन वायर की वजह से बताया जा रहा आग लगी, जिसकी चपेट में आने से 2 लोग झुलस गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि सूचना के बाद भी काफ़ी देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और नुकसान ज़्यादा हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फतेहपुर में एक साथ 2 घरों में भीषण आग लगने की सूचना मिली है। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। तो इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। खखरेड़ू थाना क्षेत्र के पंडित दीनदयाल मोहल्ले की बताई जा रही घटना। खबर फतेहपुर से, जहां एक साथ 2 घरों में भीषण आग लग गई और आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पा लिया गया। इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। खखरेड़ू थाना क्षेत्र के पंडित दीनदयाल मोहल्ले की घटना। उधर यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी को शामिल किया गया। आपको बता दें, पाठ्यक्रम में सावरकर की जीवनी शामिल होने पर बोली शिक्षा मंत्री, पहले भी महान क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ाई जाती थी। तो शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बयान, पहले भी महान क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ाई जाती थी। वीर सावरकर पर विपक्ष का हंगामा ठीक नहीं है। वीर सावरकर के बारे में हर किसी को जानना जरूरी है और इसीलिए इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। जिस प्रकार से पहले हमारे पूर्वज एक पुस्तक चलती थी, जिसमें जितने भी महान व्यक्तित्व हैं, जितने हमारे क्रांतिकारी वीर हुए हैं, उन सबकी कहानी दी जा सकती थी। हम लोगों ने भी पढ़ी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। उसी प्रकार से हमारे इसमें पाठ्यक्रम में एक प्रश्न जोड़ा गया है कि जो महान हमारी शक्तियाँ रही हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया और अपने प्राणों का बलिदान किया, उनका भी जीवन चरित्र है, इसमें आना चाहिए। लेकिन वीर सावरकर जी को लेकर जो है इतना हंगामा विपक्ष मचा रहा है, जो ठीक नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।